डाकू लाइव है फियर्स। कौन सा गेम है भाई? अरे बढ़िया, गेम भाई हॉरर गेम क्यों खेल रही है? या हॉरर गेम को रिएक्शन भी नहीं देती यार गाइस। आए हॉरर गेम खेलने को ना से बोलो थे, किसको हॉरर गेम में रिएक्शन देना आता है क्या? मेंटल को ऐसा हॉरर गेम ऐसे करते हाँ डर भी नहीं लगे। हाँ, अरे और घाबर किसी ने ऐसा मतलब बुआ आया ऐसा डर ना भाई, डर मजा आएगा। ये डरती नहीं एक्चुअली, वो डरती है बट तुमको दिखाने के लिए डरती नहीं। शाइनिंग मत भाई, डर है तो डरने का, उसके पीछे अगर किसी ने ऐसा ना तो वो इधर उधर भागेगी, लेकिन गेम में मेन बनने जाती है वो। मस्त पाइन भी था हाँ, त्याचा मी त्याचा नाव गग्गू ठेवे, नको गग्गू गेला आई डाकू डाकू के चैट पे जाके करो ना दोस्तों, गग्गू गेला गग्गू गेला तो रोने रोना चालू कर देती हो। वो स्ट्रीम पे रड़ेगी। अरे पक्का रहा, अरे उसने उसको बेटे की तरह पाला 3 दिन गग्गू गेला। उस दिन आपने वो चलते चलते विषय निकाला आना तो वो ट्रेकिंग पे रुक के पत्थर पे रुक के वो रोने लगी थी गग्गू गेला करता है लोका गग्गू गेला तेने वाचलं पाहिजे बघ मजा येईल। वाचली वाचली चॅट वाचली तिने वाचली चॅट वाचली चॅट रिएक्शन देख रिएक्शन देख चेहरा देख चेहरा देख दोस्तों चेहरा देख अच्छा लुक लो लुक लो लुक लो लुक लो दोस्तों लुक लो आई गो मला माफ कर गग्गू गेला कितना निर्दयी है भगवान। वो देख कैसा बोल रहा है गग्गू गया कितना निर्दयी है भगवान। मैं क्यों हंस रहा हूँ यार ये गलत है। आई घर रोने लगी रे वो गग्गू गेला तोड़ना है भगवत माता श्रीमान ना भगवत हो गेला मजा सक्का गग्गू गेला आग गेला मजा अगला गग्गू बड़ा हरामी हो बेटा आई केला का आपला गग्गू। अरे कमेंट पढ़ के मजा आ रहा है देखना है ना इतना सन्नाटा क्यों है भाई 100% आयमा है डायरेक्ट येल ना ती आता स्ट्रीम वरती अरे वो मुझे ये सबसे भाषा कमेंट उसकी लगी गग्गू गया रे भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भगवान तुम्हारी आंख कैसे नहीं कापी गग्गू को ले जाते वो तात गग्गू ची विकेट पडली रे देवा इच्छा गावत हे लेकिन गग्गू की क्रील देखी मैंने क्या वो उतना छोटा रहता है ना गग्गू वो बहुत गोंडस वैसा ही दिखता है और वो वाड़ने के बाद इतना क्यूट दिखने लगता है ना आई शपथ गग्गू अगर जगता ना भाई मैं तो उसको लेके आता रे मैच पालटा उसको मैं पालटा उसको। ए गाइस अभी बस करो गग्गू गए मत बोलो अभी बस हो गया मत कर ऐसा है वो एक तो कदी कदी चे काल में वो आई है लाइव बेचारी उसको रहने दो। गग्गू गेला रे भया देवा सखा गेला रे ए मजा आहे तेरा त्रास द्यायला सगळ्यांना ना माझ्या हरकत नीच व्यक्ती नाही नीच झालं झालं संपलं आता काय काय खरं नाही गग्गू की आठवण आ रही आहे गग्गूची तिरडी निघाली ग बंद करेल ती मला वाटतंय आता। अरे वो जहां पे गग्गू को गाड़ा है ना वहां पे वो ऐसी देखती रहती है उधर 3 दिन का गग्गू था यार बस 3 दिन में इतना जीवाला कैसे। ए दोस्तों बस करो प्लीज जो स्ट्रीम बंद कर देगी नहीं तो उसको करने दो स्ट्रीम वो हॉरर गेम खेल रही उसको हाथ सुनना पड़ ले माला अजून ती कमेंट डोळ्यासमोर है भगवान इतना निर्दय कैसे हो सकता है गग्गू चला गया हमें छोड़ के अभी भी विश्वास नहीं हो रहा अंदर से उसको पूछो ना उसका बिरगू का टॉपिक वही है वो क्यों लगाती है ना किसी भी चीज बिरगू ने बिरजू गेला होता तो आमी खूब अरे बिरजू बिरजू
उसके पापा ने पूरा था उसको, उसके ऊपर उल्टा बिरजू रेड करो उसको, फिर उसका चेहरा देखो। बस करने बोलो, माणूस घाणा तर आहेच हा, हा प्राणी घाणा पण, याला काही फरक नाही पडत कोण जगो कोण मरो। एवढं निर्दय नसावं कोणी शपत। मैं निर्दयी नहीं हूँ। लज़ानिया मजे ले रहे हो। हाँ ना। गग्गू, गग्गू की आत्मा को शांति मिले। वेरी सैड यार, गग्गू गेला रे। बस बस चलो दोस्तों, बस हो गया। नहीं तो मी ती एकच कमेंट कंटिन्यू बोलत राहीन। अरे पण किती भारी वाटतं रे ऐकायला, गग्गू गेला, गग्गू गेला रे, गग्गू गेला। मेरे बस करो अभी दोस्तों, बस हो गया। A few moments later. ए डाकू, गग्गू गेला, गग्गू गेला। मैं कमी ना हूँ एक नंबर का अंदर से। सुन रही है मैंने जो भेजा। गग्गू गेला। इसको बस मुझे स्टेज पे रुलाना है और उसको कुछ नहीं करने का। देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं तकलीफ देना इस तरीके से। क्या कुछ नहीं, गग्गू वो कैसे नहीं वो भी बताता हूँ मैं हूँ ना, बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। मैं नहीं रोएगी। तो गग्गू दोस्तों नारियल के झाड़ से जो खारुताई के बच्चे होते हैं वो गिर गए नीचे, तीन, उसमें से दो बच्चे जो है वो करण के चप्पल के नीचे आके चिरड़ गए। इतने इतने से बच्चे थे, एकदम छोटे छोटे। एक बच्चा बच गया जिसको हम में से किसी ने देखा, और जैसे ही देखा उसको हमने उठाया, साफ किया थोड़ा सा। डाकू बोली कि ये बच सकता है तो मैं इसको पालती हूँ, मुझे भी लगा वो बच सकता है, तो उसको पाल रही थी। और फर्स्ट डे तो एकदम मस्त था, सेकेंड डे और मस्त था, और सेकेंड डे को ऐसा लगा कि 100% वो जिएगा। थर्ड डे को वो पांडरा पड़ने लगा और रात को वो ताट हो गया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। गग्गू की कहानी खत्म। इतनी कहानी, बस सपने देखे थे मैंने कि ऐसे अंगा विंगा और उड़ी मारेगा गग्गू, घूमेगा वगैरह, पूरा लगा थोड़ा सा। बट इतना मैं ऐसा अटैच नहीं हुआ था उसको, क्योंकि मैंने अटैच होना थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि बिरजू जो है मेरा तो मैंने बहुत प्यार किया था, मेरा गोंडस डॉगी था, और उस टाइम पे तब वो गावटी कुत्ता था, बट बुखार था, मैंने बहुत लोगों को काटा है, वो तो रिकॉर्ड किए काटने के, इतना डेंजर था। और मम्मी की बहुत झगड़े भी हुए उस के वजह से, मेरे भी हुए, लेकिन मेरा जॉब लगा था और ऐसे मिलता था वो रोज़ रोज़। एक दिन मैं जा रहा था, वो अचानक मुझे देखा वो बीमार है, फिर वो बीमार रहने लगा कुछ, और एक आध डेढ़ महीने के बाद सुबह मैंने देखा कि वो एक घर के सामने है ना, वो मरा हुआ था, और मुझे काम पे जाना था और मैं छुट्टी नहीं ले सकता था कि वो जाना ही, आपको तो पता है ना कैसे होता है, छुट्टी नहीं ले सकता था। मैंने पापा को बोला कि पापा आप कर देना उसका। पापा बोले ठीक है मैं करता हूँ, तुझा टेंशन मत, जॉब को जा। मैं गया तो शाम को आया तो बाबा बोले कि मैंने पूरण पोड़ी कर दिया है प्रॉपर। क्या बोला तूने? पूरण पोड़ी कर दिया है प्रॉपर। नहीं गाड़ भीड़ दिया है तो मैं लोग कहाँ पे गाड़ा है पापा? मैं पापा ने बोला यही पे सामने करके सामने इधर खड़ा है गाड़ के उधर। फिर कुछ दिनों बाद
जिस व्यक्ति को पापा ने पैसे देके बिरजू सौंपा था कचरा वाले को, और उसको बोला था कि इसको उधर जाके गाड़ दे प्रॉपरली और पैसे लेना। तो उन्होंने बहुत दूर एक जगह पे बिरजू को गाड़ा था, उसने रितसर गाड़ा था, बट मैं जहां पे बिरजू दफनाया है उधर जाके रोता था, बट वहां पे बिरजू था ही नहीं। ये कॉमेडी हुई मेरे साथ। मैंने पापा को सवाल पूछा कि पापा ऐसा क्यों किया आपने। पापा मुझे बोले तू इमोशनली बहुत अटैच है, अगर मैं तुझे बताता वहां पे गाड़ा है तो तू वहां पे जाके रोता। तो पापा का भी बराबर है, बट ऐसा पापा ने किया था और मैं बहुत गुस्सा था पापा पे उस टाइम पे, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक है। फिर जहाँ पे उसको गाड़ा था मैंने लोकेशन पता करने की कोशिश की, वो उधर एक दूर दराज में था, वो मुझे बाद में ठीक से लोकेशन पता नहीं चली, मैंने छोड़ दिया वो चीज़। लेकिन बहुत दिल के पास था बिरजू मेरे मम्मी के पापा के, चल पापा के इतने पास नहीं था, पापा उतना दिल नहीं लगाते, मतलब उनको कैसा है मेरे तरह ही है, मैं बहुत ज़्यादा पहले दिल लगाता था प्राणियों को, तो अगर वो छोड़ के जाते ना तो बहुत वाइट वाटता है। बिरजू कौन था, बिरजू मतलब डॉगी गाइस, डॉगी गावटी कुत्ता। करण कितना निर्दयी है, अरे वो उसने जानबूझ के नहीं चिरड़ा, वो चल के गया, उसके पैर के नीचे वो छोटे छोटे कैसे दिखेंगे। ये था गग्गू, ये देखो पास से देख लो, ऐसा था गग्गू, कितना छोटा है देखो, इसलिए वो जीव को लगा थोड़ा सा वाइट वाटर है, बाकी कुछ